हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू येट अनदर व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हो तो आपने देखा होगा कि हमने MT-15 पे ऑलरेडी उसके फ्रेम स्लाइडर्स और उसका विंगेट जो है इंस्टॉल किया है। इसके दोनों ब्लॉग मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं चैनल पे, आप देख सकते हो। अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड हेल्प अस ग्रो। आपने देखा होगा पिछले ब्लॉग में हम फ्रेम स्लाइडर इंस्टॉल कर रहे थे और बहुत तेज़ी से बारिश हो रही है जिसकी वजह से हमको बाइक ऊपर लेनी पड़ी और यहाँ पर लाइट थोड़ी सी कम है, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, छोटे छोटे ब्लॉग थे आपको इंस्टॉल करना कैसे है, क्योंकि मेरे पिछले ब्लॉग में जिसमें मैंने मेरे बाइक पे इंस्टॉल किया था ये सारे चीज़ें, तो मुझे बहुत से कमेंट्स आए थे कि कैसे इंस्टॉल करना है, तो इसलिए मैं अभी अलग अलग ब्लॉग्स बना रहा हूँ टू शो यू हाउ टू इंस्टॉल देम। तो चलिए आप रेडिएटर ग्रिल इंस्टॉल करते हैं, और अगर आपको ख़रीदना हो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए इंस्टॉल करते हैं। तो ये है रेडिएटर ग्रिल जो हमने मंगाया है, अगर आपको ख़रीदना हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ये MT-15 के लिए। इसके अलावा दो तीन और डिज़ाइन आते हैं, मैं सबके लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपको जो पसंद आया वो आप ले सकते हो। मेरे बाइक में भी सेम ये है, लेकिन उसका लोगो जो है फ्लोरोसेंट ग्रीन में है। मैं आपको बाद में उसका वीडियो डाल दूंगा, अभी बारिश हो रही है। तो ये रेडिएटर ग्रिल इंस्टॉल करना भी बहुत ही सिंपल है, आपको कुछ मॉडिफिकेशन ऑल्ट्रेशन नहीं करना है। ऊपर यहाँ पे जो स्क्रू आता है वो ऑलरेडी बाइक पे लगा हुआ था, आपको उसको स्क्रू निकालना है और इसको लगाना है। मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखा दूँगा। और आपको यहाँ पे नीचे जो एक स्क्रू आता है आपको मार्केट से ख़रीदना पड़ेगा, एक 10 mm का स्क्रू मिलता है, सॉरी 10 mm का नट मिलता है, आपको वो ख़रीदना पड़ेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ मैं किधर आ रहा। तो ये 10 mm का एक नट है, आपको मार्केट में ईजिली मिल जाएगा। आप ये बाइक को इंस्टॉल करने में आपको इसकी मदद लगेगी, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसे इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करने के लिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आपको सिर्फ ये स्क्रू जो बाइक के लेफ्ट साइड में होता है ऊपर रेडिएटर के, आपको वो निकालना है। और नीचे एक स्क्रू ऑलरेडी लगा हुआ है जिसमें आपको सिर्फ एक नट फिट करना होता है, जो मैंने आपको बताया एक 10 mm का नट आप हार्डवेयर से ख़रीद सकते हो। तो ये नट आपको यहाँ पर नीचे लगाना है और एक स्क्रू यहाँ से निकाल के फिर से यहाँ पर आपको रेडिएटर के लिए प्लेस करना है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ इसको कैसे इंस्टॉल करना है। अभी बारिश थोड़ी कम हो गई है, ऑलमोस्ट रुक गई है, तो मैंने बाइक बाहर ले ली है और ताकि ज़्यादा लाइट आ जाए वीडियो में, लाइट आ जाए वीडियो चलेगा ना। तो चलिए रेडिएटर ग्रिल फिर फट से इंस्टॉल कर देते हैं। तो पहले आपको निकालना है ये वाला स्क्रू, उसके बाद आपको रेडिएटर ग्रिल लेके यहाँ पे प्लेस करके ये स्क्रू फिर से आप उसको लगा देना है। तो ये जो 10 mm का नट हमने लिया है वो आपको इस वाले नीचे वाले स्क्रू में फिट करना है। तो ये तो एक छोटा सा वीडियो रेडिएटर गार्ड इंस्टॉलेशन का, अगर आपको ये ख़रीदना हो या इसके अलावा एक दो डिज़ाइन के और आते हैं रेडिएटर गार्ड में, सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको ख़रीदने हो तो आप वहाँ से ख़रीद सकते हो। तो बारिश फिर से शुरू हो गई है इसलिए मैं शेड के नीचे आ गया, बाइक अभी भी बारिश नहीं खड़ी है। तो उसमें एक और एक्सेसरी लगनी है, वो है उसके डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का स्क्रीन गार्ड,
उसके इंस्पिरेशन का भी वीडियो नेक्स्ट आ जाएगा चैनल पे। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। सारे अपडेट्स बाइक मॉडिफिकेशन से रिलेटेड सारे कंटेंट आते हैं इस चैनल पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, हेल्प अस ग्रो। छोटा सा चैनल है, बड़ा करने में मदद कीजिए। तो मिलते हैं अगले ऐसे किसी ब्लॉग में। टेक केयर, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ।